करता है 12 वोल्ट डीसी से वर्क, ठीक है। नीचे इसमें रहता है थर्मल वैल्यू नहीं बता रहा है, तुम यहां से इसको खोलेंगे और अलग अलग इसको चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज खराब है या हीटर खराब है, ये फिक्स वैल्यू देगा 113 दे रहा है। अगर ये इस तरीके से वैल्यू दे रहा है, हाय गाइस, ए टू जेड इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ में आपका स्वागत है। आज बच्चों को बता रहे हैं इन्वर्टर फ्रिज के बारे में, इसमें पार्ट्स क्या क्या लगे रहते हैं, इनको चेक कैसे किया जाता है, आज बताते हैं बच्चों को। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं पहले आप लोग ये बताते हैं। एक ये है थर्मल फ्यूज, दूसरा रहता है इसमें एनटीसी सेंसर, सेंसर आप लोग को बताया हुआ किस तरीके से वर्क करता है, और तीसरा रहता है हीटर, इसको डिफ्रोस्ट हीटर बोलते हैं। ये तीन चीज़ें ऊपर के सेक्शन में रहती हैं, एवोपरेटर कॉयल के साथ। अब नीचे और एक इसमें रहता है फैन, ये इस तरीके से, ये करता है 12 वोल्ट डीसी से वर्क, ठीक है। नीचे इसमें रहता है थर्मोस्टेट, इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट, जैसे हमारे सिंगल डोर डबल डोर में रहता है नॉर्मल वाला, वो नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट रहता है। और दूसरी इसमें रहती है इलेक्ट्रिक, इनमें एलईडी वाली लाइट, जो एलईडी लाइट होती है वो लगी रहती है, ना कि बल्ब, बल्ब तो आपको निकाल के चेंज करते वो उस तरीके से नहीं, इसमें एलईडी लाइट लगी रहती है। नीचे ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ऊपर जो रहता है वो चेक करने वाली भी रहती है, ख़राब होता है तो ऊपर से ही ख़राब होता है, ऊपर इसमें अगर कोई चीज़ ख़राब होगी तो नीचे कूलिंग नहीं जाएगी, इसमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब होगी तो नीचे कूलिंग नहीं जाएगी, क्योंकि कूलिंग कॉइल पे हमारी पूरी बर्फ़ जम जाएगी। इसलिए इसको चेक कैसे करते हैं पहले वो बताते हैं। अब जैसे ये थर्मोस्टेट फ्यूज़ है, थर्मल फ्यूज़ भी बोलते हैं इसको, और टेम्परेचर फ्यूज़ भी बोलते हैं। फ्यूज़ कहाँ पे चेक करते हैं, कंट्रोलिटी पे, बीप पे। जैसे ये फ्यूज़ है हमारा, अब इसके दोनों पिनों पे प्रॉप रखेंगे, बीप दे रहा है ना, मतलब सही है। अगर ये बीप दे रहा है तो ये सही है, और बीप नहीं दे रहा है तो इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से तो हम अलग अलग चेक कर लेंगे इसको, लेकिन जब पीसीबी से चेक करेंगे तो ये फ्यूज़ और हीटर हमारे सीरीज में लगे रहेंगे, तो वहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो ये फिक्स वैल्यू बताएगा, वहाँ से फ्यूज़ जो है बीप नहीं बताएगा। दो वायर जो ये जैक लगे हैं इनके, दो वायर होंगे, दोनों पे फिक्स वैल्यू बताएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। पीसीबी से चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू बताएगा, बीप नहीं बताएगा वहाँ पे, क्योंकि ये सीरीज में लगे रहेंगे। अगर वैल्यू नहीं बता रहा है तो हम यहाँ से इसको खोलेंगे और अलग अलग इसको चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज़ ख़राब है या हीटर ख़राब है। अब बताते हैं सेंसर चेक करने का, सेंसर को कैसे चेक करते हैं। सेंसर को पहले खोल लेंगे, फ्यूज तो ऐसे लगे लगे चेक हो गया ना, लेकिन सेंसर को खोलना पड़ेगा, सेंसर को खोलना पड़ेगा। अब इसको सेंसर को पकड़ो, इसको सेट करेंगे ओम पे, जिससे कि ये हमारी वैल्यू बताएगा। पहले सेंसर हमारा वैल्यू तो बताता है, अब ये वैल्यू बता रहा है, अब वैल्यू, अब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, घटेगी। गर्म करो इसको, घट रहा है, देखो घट रही ना वैल्यू, अब छोड़ दो इसको, इसको गर्म करने पे वैल्यू घटेगी, और ठंडा जब छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अभी देखते हैं इसकी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, सही है कि खराब है। अगर ये सही होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, सही है, बढ़ने लगी, इसका मतलब ये सही है। सेंसर चेक हो गया, फ्यूज चेक हो गया, अब रह गया हमारा हीटर। हीटर को चेक करते हैं, अब एक प्रॉप लगाएंगे हीटर के एक वायर पे, दूसरी प्रॉप दूसरे वायर पे, और ये भी एक फिक्स वैल्यू देगा हीटर एक फिक्स वैल्यू देगा।
113 दे रहा है। अगर ये इस तरीके से वैल्यू दे रहा है इसका मतलब ये सही है, और वैल्यू नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये खराब है। और घट बढ़ रहा है खराब नहीं, खराब नहीं है तभी यह। इसको हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, पहले भी आपको बताया कि हीटर को हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हीटर हमेशा हमारा 220 वोल्ट एसी से चलता है। हम इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, अगर ये गर्म हो रहा है तो ठीक है, नहीं गर्म हो रहा है तो ये खराब है। जब फैन इसका चेक करना होगा तो ये भी एक वैल्यू बताएगा, देखते हैं बताता है कि नहीं। वैल्यू बता रहा है इसका मतलब सही है। और दूसरी चीज, अगर इसको हमको चेक करना है तो ये 12 वोल्ट डीसी चलता है, 12 वोल्ट डीसी से चलता है। 9 वोल्ट वाली बैटरी आती है, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं कि फैन हमारा सही है या खराब है। ये दो चीजें आप कर सकते हैं, या तो आप वैल्यू चेक कर लीजिए, वैल्यू से आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि सही है या खराब है तो आप इसको 9 वोल्ट वाली बैटरी से भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके साथ एक कनेक्टर आता है, जैसे बच्चे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं वो कनेक्टर ले लीजिए, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, उससे आप चेक कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका कि सही है या खराब है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? इसी तरीके से सीखना चाहते हैं कोई भी मैकेनिकल काम तो आप आ सकते हैं A to Z टेक्निकल इंस्टीट्यूट विकास नगर लखनऊ में। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को जिस भी व्यक्ति ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।